masses 5.2 kg and 4.8 kg are attached to the end of an inextensible string which passes over a frictionless pulley. Find the acceleration in the system and the tension in the string when both the masses are moving vertically. अच्छा, टेंशन इन द स्ट्रिंग के हमारे पास केसेस होते हैं, ठीक है। उसमें ये एक ऐसा केस दिया हुआ है जिसमें दोनों बॉडी जो हैं वर्टिकली मूव कर रही हैं। जब दोनों बॉडी वर्टिकली मूव कर रही होती हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस बॉडी का मास बड़ा होता है वो बॉडी डाउनवर्ड मोशन में होती है और उसके मास को हम एम वन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे डेटा बना लेते हैं। तो एम वन आपके पास कितना हो गया, 5.2 kg, ठीक है। और एम टू आपके पास कितना हो गया, 4.8 kg, सही है। हमें मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है और टेंशन फोर्स मालूम करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं बेटा। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। जी ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5.2 माइनस 4.8 एंड डिवाइडेड बाय 5.2 प्लस 4.8 इंटू जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं, 5.2 में से 4.8 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 0.4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ जाएगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब टेंशन का फॉर्मूला क्या है, 2 एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इंटू जी। तो वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेते हैं, 2 एम वन की जगह पे क्या आ जाएगा, 5.2, एम टू की जगह पे आ जाएगा 4.8 एंड डिवाइडेड बाई 5.2 प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10। तो हम पहले सबसे पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आएगा 49.92 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो टेंशन फोर्स हमारे पास क्या आ गई, 49.92 न्यूटन, जिसे आप अप्रोक्सीमेटली 50 न्यूटन भी लिख सकते हो।